जो हमारा खेल का मैदान होता है बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। आज खेल के क्षेत्र में हमारे युवाओं द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत का नाम रोशन किया जा रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन 21वीं सदी में विश्व स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती हुई क्षमता को प्रदर्शन कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध खेल संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रमाण हमारे खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे ऐतिहासिक प्रदर्शन है। मैं आप सबको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती थी, राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, उनमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो चयन होता था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ, योग्यता और क्षमता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में अब खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, उसको भी पारदर्शी बनाया गया है, जिसके कारण से हमारे योग्य क्षमतावान खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा लहराता है। भारत के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, और हम सभी को अपने कौशल द्वारा गौरवान्वित करने का काम करते हैं। आप सभी जवान सभी हमारे सहयोगी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथियों, देश और राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आपका योगदान अमूल्य है। आपकी वीरता, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम हम सब नजदीक से देखा है, और कोरोना महामारी के दौरान सभी राज्यों में पूरे देश के अंदर जिस निष्काम सेवा और प्रतिबद्धता का परिचय आप सब ने दिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप सभी पुलिसकर्मी सच्चे अर्थों में कर्तव्य निष्ठा के परिचायक हैं, शौर्य, निस्वार्थ एवं समर्पण के प्रतीक हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप सभी उत्तराखंड की जो मेजबानी है उसका आनंद उठाएंगे। मुझे यह भी बताया गया है कि देवभूमि दर्शन हेतु हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश में आपके भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास है इसके माध्यम से आप सभी देवभूमि की संस्कृति व परंपरा का भी दर्शन कर सकेंगे। आज आप जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उन्हीं क्षेत्रों में G20 के जो सदस्य, जो डेलीगेट्स यहाँ आने वाले हैं, वह भी ऋषिकेश क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जाने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण के साथ इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अनुशासन का पालन करते हुए एक टीम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मैं उत्तराखंड पुलिस को इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं कि एक अभूतपूर्व खेल का ये आयोजन यहां पर हो रहा है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि खेल जो हमारा कोटा है, भर्तियों में खेल कोटा पूरा प्रारंभ किया जाएगा, हम मानते हैं इसी को लेकर हमने पिछले दिनों कि हमारे जो क्षमतावान खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन सभी को आगे आने का अवसर मिले, हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, उसमें लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं कि खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और आज के इस अवसर पर आप सभी को, आयोजन समिति को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि यह आयोजन निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाली क्षण है। इसको पूरे तरीके से हमारा जो आतिथ्य होगा आप सब स्वीकार करेंगे। हमारे पुलिस की पूरी आयोजन समिति इसको कर रही है और आप सब
देवभूमि उत्तराखंड चलाए हैं, मैं आप सभी का यहाँ आने पर पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।